हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्रास क्लासेस। माय नेम इज़ सचिन त्यागी। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक ऑपरेशंस ऑन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने यहाँ पर फिनिश किया। इस वीडियो में हम देखते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये जानेंगे कि जब हम तीनों ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने पढ़े, जो कि मेरे क्या क्या हैं, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल, तीनों ऑपरेशंस जब हम एक क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो उनकी सिक्वेंस क्या होगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मेथड, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड रिवर्सल। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर, एक्स ऑफ टी एक ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म है जो मेरी वेरी कर रही है -2 से लेके +4 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये जो राइज टाइम के लिए, जो मैं स्लोप की बात करूँ, ये जो स्लोपी सिग्नल है ये -2 से लेके 0 के बीच में है। सिमिलरली जो फॉलिंग ये स्लोप है, यहाँ पर निगेटिव स्लोप मैं कह रहा हूँ, सिग्नल मेरा डिग्रेड कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी मेरी +2 के लिए है, ठीक है। तो एक ट्रेपेजिटल वेव फॉर्म है जिसमें एम्पलीट्यूड सिग्नल का मैक्सिमम कितना है, 1। तो मैं अगर इनकी स्लोप की बात करूँ इस पोर्शन की, तो कितनी स्लोप हो जाएगी, दिस इज़ माई 1/2, क्योंकि स्लोप क्या होती है, वाई बाय एक्स, एक्स क्या है, 2, दिस इज़ 1, तो ये क्या हो जाएगी, +1/2, और ये हो जाएगी -1/2 स्लोप। तो मुझे यहाँ पर प्लॉट करना है एक्स ऑफ -2t +3। तो उससे पहले एक जनरल मेथड जान लेते हैं कि स्टेप्स क्या होंगी। लेट सपोज मुझे प्लॉट करना है स्टेप्स टू प्लॉट सिग्नल, मान के चलते हैं एक्स ऑफ -at +b, ठीक है। ये सिग्नल मुझे यहाँ पर प्लॉट करना है, तो उसके लिए मैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या क्या लेके चलूँगा, ठीक है, ये मुझे प्लॉटिंग करनी है। तो देखो यहाँ पर दो मेथड हैं, मेथड 1, ठीक है, और एक मेथड नंबर 2। एक हुआ मेथड नंबर मेरा 2, ठीक है। अब मेथड 1 और मेथड 2 मैंने कैसे डिफरेंशिएट किए, देखो मेथड 1 क्या है, मुझे प्लॉट क्या करना है, एक्स ऑफ -at +b। तो दो अप्रोचेज हैं, आइदर कि मैं यहाँ से मूव करूँ, ठीक है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। एक है मेरे पास कि मैं बैकवर्ड यहाँ से अप्रोच करूँ और ऐसे मूव करूँ, यह है फ्रॉम RHS टू LHS, इसका नाम मैंने दिया, दिस इज़ माई मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 मतलब क्या हुआ, फ्रॉम RHS टू LHS। और इनको प्लीज़ आप मतलब बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक्स होने के चांस हो जाते हैं। तो मैं एक मेथड है कि मैं पीछे से मूव करूँगा आगे की तरफ, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करूँगा, ये मेरा मेथड नंबर 1 हुआ। और मेथड 2 मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये पोजिशन होगी फ्रॉम LHS टू RHS, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में क्या है, देखो जिस जैसे मैं मेथड 1 से स्टार्टिंग करता हूँ सबसे पहले, और यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी है, यही मैं फॉलो करूँगा हर जगह, क्यों, आई विल टेल यू। सबसे पहले स्टेप मेरी 1 क्या होगी, देखिए जहाँ से आपने मूव करना शुरू किया, उस आपको जो भी पैरामीटर टाइम शिफ्टिंग, स्केलिंग और रिवर्सल का कोई भी पैरामीटर जो पहले मिलता जाएगा, वो स्टेप्स मैं पहले परफॉर्म करूँगा, सीधी बिल्कुल सिंपल बात है। तो जब मैंने इधर से शुरू किया तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, बी, तो ये प्लस के साथ लिखा हुआ है। अब बी जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, सिग्नल में एडवांस हो या डिले, डजेंट मैटर, लेकिन पहले मुझे बी मिला है और ये प्लस में है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग पैरामीटर है ये, ठीक है। टी में अगर कुछ प्लस माइनस है तो वो शिफ्टिंग पैरामीटर है, टी में कुछ मल्टीप्लाई है ए से तो वो स्केलिंग पैरामीटर है, और माइनस का मतलब है रिवर्सल। तो सबसे पहले मुझे प्लस बी मिला है, तो सबसे पहली स्टेप मेरी क्या होगी यहाँ पर, टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग मैं सबसे पहले परफॉर्म करूँगा, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या होगी, अब टाइम शिफ्टिंग के बाद आपको एक सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है, उसमें फिर मैं आगे मूव ऑन करूँगा, ये ध्यान रहे, जो सिग्नल मुझे यहाँ तक मिल चुका है टाइम शिफ्टिंग, उसके बाद मैं आगे मूव ऑन करूँगा। तो स्टेप नंबर मेरी 2 क्या हो जाएगी, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग मैंने करने का मतलब है कि मैंने सिग्नल क्या प्लॉट कर लिया यहाँ पर, मैं इसके एक नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल y1t, और ये है मेरे लिए y of t, ये मुझे प्लॉट करना है, दिस इज़ माई y of t। तो मेरा y1t क्या आ जाएगा, x ऑफ t +b, क्योंकि मेरा ओरिजिनल सिग्नल क्या है, x ऑफ t, उसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है, शिफ्टिंग किया है, x ऑफ t +b मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। स्टेप 2 की बात कर लेते हैं, ये मेरा स्टेप 1 पर मुझे कुछ आउटपुट मिला, उसका नाम मैंने रख दिया y1t। स्टेप 2, अब आगे चलते हैं, +b पे काम खत्म हो गया, t तो मेरा वेरिंग पैरामीटर है, अब मुझे मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या मिला है, a। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगी मेरी वो क्या हो जाएगी, टाइम स्केलिंग, और स्केलिंग कितने से, बाय वैल्यू ऑफ a, ठीक है, a से। तो टाइम स्केलिंग जो करूँगा, तो जो मेरी इससे प्रीवियस स्टेट स्टेप में जो वेवफॉर्म मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, प्लॉट कर चुका हूँ, उसी में मुझे चेंज करना है अब, ठीक है। टाइम स्केलिंग बाय a, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि सिग्नल मुझे क्या मिल गया, y2t मुझे मिला,
और मैंने स्केलिंग किस में की है, इससे पहले वाले आउटपुट में, तो वाई वन ऑफ ए टी, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि एक्स ऑफ ए टी प्लस बी। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक किया है कंप्लीट, क्लियर। इसके बाद स्टेप थ्री मैंने यहाँ पर क्या किया, अब स्केलिंग में कर चुका हूँ इसे। अगला पैरामीटर क्या है, माइनस। माइनस क्या है, टाइम रिवर्सल। तो मतलब कि जो सिग्नल मैंने यहाँ तक प्लॉट कर दिया, अब उसमें क्या करूँगा, मैं टाइम रिवर्सल करूँगा। ये सबसे आसान तरीका है। तो तीसरी स्टेप मेरी क्या हो जाएगी, टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल का मतलब मुझे फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, जिसका मैंने नाम रख दिया वाई ऑफ टी। और मैंने यहाँ पर क्या किया, जो मैंने इससे पहले वाली स्टेट में आउटपुट फाइंड किया था, जिसका नाम मैंने रखा था वाई टू टी, वाई टू टी में ही मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे नेट सिग्नल क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ माइनस ए टी प्लस बी। ठीक है, तो ये स्टेप्स हम यहाँ पर लेके चलेंगे। सिमिलरली मेथड टू की मैं बात कर लेता हूँ। तो जब मैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मूव करूँगा, या मैं कहूँ फ्रॉम एल एच एस टू आर एच एस मूव करूँगा, तो मेरे लिए सबसे बड़ी यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात क्या होगी, कि मैं थोड़ी सिग्नल की ना फॉर्म चेंज करूँगा। वाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट में मैंने लिख लिया, तो आगे से मूव करने का मतलब है कि टी का जो भी कोफिशियंट है वो मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर माइनस ए मैंने कॉमन लिया, फिर मैंने यहाँ पर टी लिखा, और यहाँ वैल्यू क्या हो गई, बी बाई ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्टेप्स फॉलो करूँगा। तो स्टेप मेरी वन क्या हो जाएगी, स्टेप वन, सबसे पहले मुझे माइनस साइन आ रहा है, तो मैं टाइम रिवर्सल परफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो सिग्नल का मैंने नाम रख दिया वाई वन टी, तो मुझे क्या मिल गया, एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, स्टेप नंबर टू, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, ए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइम स्केलिंग। तो एक दूसरा मैंने आउटपुट मान लिया वाई टू टी, और इससे पहले वाली स्टेप में जो मुझे आउटपुट आया था उसमें मैं टाइम स्केलिंग करूँगा, तो वाई वन ए टी कहूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्स ऑफ माइनस ए टी। यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब मुझे क्या करना है, ए टी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब अगला क्या मतलब हुआ, शिफ्टिंग पैरामीटर मुझे मिल रहा है, और शिफ्टिंग किससे हो रही है, माइनस बी बाई ए से हो रही है। अब प्लस बी से शिफ्टिंग नहीं हो रही है, टी माइनस बी बाई ए हो रही है। तो मैं यहाँ पर स्टेप थ्री लेके चलूँगा, क्या, टाइम शिफ्टिंग। तो वाई थ्री ऑफ टी क्या आ जाएगा, वाई टू, जो मैंने वाई टू बनाया उसमें मैं शिफ्टिंग करूँगा। तो मतलब मैं टी को किससे चेंज करने वाला हूँ, टी को चेंज करने वाला हूँ टी माइनस बी बाई ए से। मतलब कि ये जो सिग्नल है मेरा, एक्स ऑफ माइनस ए, और टी में क्या चेंज कर दूंगा, टी माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ माइनस ए टी प्लस बी। तो ये स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो दोनों मुझे केसेस में आंसर सेम मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए मेथड वन की मैं बात कर लेता हूँ। मेथड वन में सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म करना मेरे लिए मस्ट कंडीशन है, क्योंकि सबसे पहले मुझे पैरामीटर मिला प्लस बी का। इसके बाद आगे चलते हैं, टी के साथ में मल्टीप्लाई ए भी हो रखा है और माइनस साइन भी हो रखा है, तो इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, मैं स्केलिंग से पहले मैं रिवर्सल भी कर सकता हूं, फिर स्केलिंग कर सकता हूं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये दूसरी और तीसरी स्टेप्स आपस में इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन शिफ्टिंग मुझे पहले परफॉर्म करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, मेथड नंबर टू की मैं बात करूं, तो वैसे ही जब मैंने यहाँ पर कॉमन लिया टी का कोफिशियंट, तो माइनस भी है और ए भी है, रिवर्सल पैरामीटर भी है और स्केलिंग पैरामीटर भी है। तो यहाँ पर मैं स्टेप नंबर वन और टू को इंटरचेंज कर सकता हूँ। पहले स्केलिंग कर दूँ ए से, फिर मैं रिवर्सल कर दूं, ठीक है, लेकिन शिफ्टिंग फिर मुझे बाद में करनी पड़ेगी, और कितने से होगी, माइनस बी बाई ए से। तो ये स्टेप्स हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में दोनों मेथड वर्क करते हैं, पर मैं जो फॉलो करता हूँ, मेरी जो एडवाइस कहती है कि कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, आपको मेथड नंबर वन ही फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि देखो ये तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। जब आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए बात करोगे, और उस केस में जब मैं प्लॉट करूंगा सिग्नल, मान के चलता हूँ कि ये सिग्नल मेरा कुछ ऐसे बन जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने ली कि मुझे प्लॉट करना है डिस्क्रीट के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑफ माइनस थ्री एन प्लस सेवन, ये मुझे प्लॉट करना है। ठीक है, तो आप मेथड, अगर मेथड नंबर वन फॉलो करोगे, तो पहले क्या करोगे, सेवन से शिफ्टिंग करोगे, फिर थ्री से स्केलिंग करोगे, फिर रिवर्सल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेथड नंबर टू में लेके चलूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका कोफिशियंट कॉमन लेना पड़ेगा। तो मुझे माइनस थ्री मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एन माइनस सेवन बाई थ्री बन गया। ठीक है, अब रिवर्सल पहले करूंगा, कोई इशू नहीं है, स्केलिंग पहले करूंगा डिस्क्रीट में, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब शिफ्टिंग की बात आएगी, तो एन माइनस सेवन बाई थ्री, सेवन बाई थ्री एक वैल्यू आएगी डेसिमल में, ठीक है, टू पॉइंट समथिंग,
तो मैंने बताया था जब मैंने कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात करी थी कि एन जो होता है एक परफेक्ट इंटीजर वैल्यू होती है, तो डिस्क्रीट में एन की वैल्यू +1 या -1, 2, 3, 4 ऐसी कंप्लीट वैल्यूज चलेंगी वहाँ। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो वो वैल्यू ही वैलिड नहीं है, क्योंकि जब मैं एन की वैल्यूज लेकर चल रहा हूँ वो परफेक्ट इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ठीक है? वो डेसिमल वैल्यूज़ नहीं हैं, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज़ मैं कहूँ, मतलब पॉइंट्स में 1 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो इस वजह से वो मेथड वहाँ जाके फेल हो जाता है डिस्क्रीट में। तो इट्स बेटर कि हम मेथड नंबर 1 फॉलो करें। अब वो क्वेश्चन कंटिन्यूस में हो डिस्क्रीट में हो डजेंट मैटर, ठीक है? तो ये स्टेप्स ध्यान रखो कि जो पैरामीटर पहले आएगा वही मुझे परफॉर्म करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इन स्टेप्स को इस क्वेश्चन में प्लॉट करते हैं, तो आपको स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगी और एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ये मैं रब कर देता हूँ। मुझे प्लॉट करना है एक्स ऑफ -2t+3। तो यहाँ पर स्टेप्स क्या होंगी, पहले मैं स्टेप्स लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर प्लॉटिंग करता जाऊँगा, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करता जाऊँगा, प्लॉटिंग। तो मुझे प्लॉट करना है वाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ -2t+3। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता जाता हूँ, यहाँ पे मैं ग्राफिकल इसको प्लॉट करता जाऊँगा, ठीक है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच स्टेप। फॉर ईच स्टेप, ठीक है? तो सबसे पहला काम, तो मैं क्या किधर से मूव करूँगा, मैंने आपको बताया ही था, मैं मूव करूँगा फ्रॉम RHS टू LHS, ठीक है? तो मैं इस तरह से मूव करूँगा। सबसे पहले मुझे 3 मिला, तो एक मैंने आउटपुट का नाम मान लिया Y1T। तो सबसे पहले मैंने परफॉर्म किया एक्स ऑफ टी प्लस 3, ठीक है? एक्स ऑफ टी प्लस 3 परफॉर्म किया, तो वेवफॉर्म मेरी यहाँ पर क्या बन गई बताइए, स्टेप नंबर 1 में क्या वेवफॉर्म आ जाएगी मेरी? सीधे सीधे प्लॉट कर लेते हैं, मैथमेटिक्स आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो एक्स ऑफ टी प्लस 3 का मतलब क्या हुआ कि इस पैरामीटर को क्या पुट करो, 0 पुट करो, ठीक है? तो टी प्लस 3 को 0 पुट करोगे तो टी की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब इस वैल्यू को उठा के क्या करता हूँ, इन टाइमिंग इंटरवल्स में मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसमें मैं ऐड करूँगा तो ये पैरामीटर कहाँ चला जाएगा, दिस इज़ प्लस ऑफ -3, 0 में ऐड करूँगा प्लस ऑफ -3, इसमें ऐड करूँगा प्लस ऑफ -3, इसमें ऐड करूँगा प्लस ऑफ -3। तो सिग्नल मेरा कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -3 कितना हो गया, -5, ठीक है? तो मैं मार्क कर लेता हूँ, एक टर्मिनल मेरा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 0 -3, एक टर्मिनल मेरा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये टर्मिनल मेरा -1 हो जाएगा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ माई +1 +1, ठीक है? तो इनके बीच में वेवफॉर्म बना देते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक मुझे क्या रहेगा, स्लोप रहेगी सिग्नल की, ये मैंने बना दिया। इसके बाद यहाँ पे सिग्नल मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट, और इसके बाद सिग्नल की फिर से मेरी क्या है, स्लोप है, ये, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है सिग्नल का, 1, और ये मैंने प्लॉट कर दिया y1 ऑफ t, ठीक है? इसके रेस्पेक्ट में मैंने ये काम कर दिया, कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ वैल्यूज़, ठीक है? क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है। ओके, तो मेरी स्टेप 1 मैंने प्लॉट कर दी। स्टेप 2 की बात कर लेते हैं अब। मुझे क्या करना है, इसी में ही आगे परफॉर्म करूँगा क्या, 3 से आगे चलते हैं, 2 मुझे मिला तो मैं स्केलिंग करूँगा। नाम भी लिखोगे, मैंने पहले क्या किया है, टाइम शिफ्टिंग की है, शिफ्टिंग बाय 3, और ये t+3 है, तो सिग्नल मैंने क्या किया है, टाइम एडवांस इसको किया है, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दिस इज़ टाइम एडवांस, ठीक है? एडवांस बाय 3 यूनिट्स, ठीक है? स्टेप 2 में चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्केलिंग करता हूँ। तो बेसिकली मुझे क्या अपलोड करना है अब, तो एक नया आउटपुट मैंने मान लिया y2t। तो जो सिग्नल मुझे लास्ट वेव फॉर्म में मिला, मतलब y1t मुझे मिल गया था लास्ट स्टेप में, उसमें मैं क्या करूँगा, t को रिप्लेस कर दूंगा 2t से। तो y1 ऑफ 2t मतलब x ऑफ 2t+3, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या बताया था, अब इसमें आगे प्लॉट कर लेते हैं वेव फॉर्म को, ठीक है? ये स्टेप नंबर 2 के लिए हो जाएगी, स्टेप नंबर 2। तो उसमें मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, बेसिकली y2t, ठीक है? तो मैंने बताया था कि जो मेरी वेवफॉर्म आई है पहले, अब जब मैं स्केलिंग करता हूँ तो स्केलिंग पैरामीटर जो भी है उससे मैं इनपुट वेवफॉर्म्स के क्या करता हूँ, टाइमिंग इंटरवल्स को डिवाइड कर देता हूँ। तो y2t जब प्लॉट कर रहा हूँ वो किस पे कर रहा हूँ, y1 पे, जो से पहले प्रीवियस स्टेट में वैल्यूज़ आई हैं। तो उनको क्या करता हूँ, सबको डिवाइड बाई ए कर देता हूँ, ठीक है? डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए। ए की वैल्यू क्या है मेरे लिए यहाँ पर, 2, ठीक है? तो ये भी मैंने बाई 2 कर दिया, ये भी बाई 2 कर दी मैंने वैल्यूज़, ये भी मैंने बाई 2 कर दी, और ये भी मैंने बाई 2 कर दी वैल्यूज़। तो क्या हो जाएंगी वैल्यूज़, ये +0.5, ये -0.5। तो मार्किंग कर लेते हैं, दिस इज़ +0.5, दिस इज़ -0.5,
ठीक है, तो उसको मैं अगर बनाना चाहूँ थोड़ा सिंक्रोनाइज दिखाऊँ तो और पास पास में बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे वन माना था तो ये मेरे लिए वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.5, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी दिस इज़ -0.5। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1.5, तो उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कहीं पे -1.5, और ये है 2.5, उसको मैंने कहीं यहाँ पे दिखा दिया दिस इज़ -2.5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी इतने में क्या रहेगी कांस्टेंट, और ये मेरी स्लोप, तो मैंने ये सिग्नल मेरा ये बना। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे कांस्टेंट रखा, ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट रहा सिग्नल, और इसके बाद मेरी फिर से स्लोप शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड मेरा अभी बन रहा, एम्पलीट्यूड में मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्लियर है, एम्पलीट्यूड मेरा बिल्कुल सेम रहा। तो मेरी विड्थ सिग्नल की कम हो गई, पहले विड्थ कितनी थी 5 और 1/6 थी, अब मेरी 3 हो गई विड्थ। ठीक है, 2.5 ई और 0.5 ई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैंने यहाँ इसको यहाँ पर बना दिया, ओके, मैंने 0.5 यहाँ पर दिखाया था तो मैं इसको सही कर देता हूँ, दिस इज़ माई 0.5 और ये आ गई मेरी वैल्यू दिस इज़ 0.5। ठीक है, ये हो गया। स्टेप 3 की बात कर लेते हैं, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे अब? स्टेप 3, तो जो सिग्नल मेरा आ चुका है मैं उसमें क्या करूँगा, रिवर्सल प्लॉट कर दूंगा। तो मुझे फाइनल वाई ऑफ, अब मैं Y3 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको YT माना है, तो मेरा फाइनल YT आ जाएगा। वो क्या होगा, जो लास्ट स्टेप में आउटपुट आया है उसी में क्या कर दूंगा, -T कर दूंगा, मतलब एक्स ऑफ -2T प्लस 3 कर दूंगा। तो मतलब ये जो टाइमिंग इंटरवल्स आए हैं इसमें सब में -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि मैं इसको क्या करता हूँ, रिवर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू +5.5 है वो क्या बन जाएगी, मेरी -0.5 बन जाएगी। माइनस वैल्यूज़ मेरी प्लस साइड में चली जाएंगी, दिस इज़ +0.5, ये वैल्यू होगी मेरी 1.5 और ये वैल्यू होगी मेरी 2.5। ठीक है, तो मेरी वेवफॉर्म क्या बन जाएगी, यहाँ पे स्लोपी सिग्नल, इसके बाद 0.5 से लेके 1.5 तक कांस्टेंट, और इसके बाद 2.5 तक मेरी सिग्नल की क्या हो जाएगी, फिर से स्लोप, और ये वैल्यू कितनी है 1। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई स्टेप्स? बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, बस ये ध्यान रखना हमेशा जो मेथड फॉलो करेंगे वो मेथड नंबर 1 फॉलो करेंगे, और हम मूव करेंगे फ्रॉम RHS टू LHS, जो पैरामीटर पहले मिलता जाएगा उसको हम परफॉर्म करते जाएंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और तीनों ऑपरेशंस ये नहीं है कि एक्स ऑफ टी पे लगेंगे, नहीं, एक्स ऑफ टी पे वो पहला ऑपरेशन लगेगा जहाँ से मैंने शुरुआत की है, तो टाइम शिफ्टिंग सबसे पहले होगा। उसके बाद जो वेवफॉर्म मेरी आई स्टेप 1 में, उसमें मैं अगला ऑपरेशन करूँगा स्केलिंग, और जो वेवफॉर्म आई है उसमें आगे करूँगा रिवर्सल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हमने तीनों ऑपरेशंस के स्टेप्स भी देख ली हैं और क्वेश्चन भी एक सॉल्व कर लिया है इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे सेम ऑपरेशंस फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है, तो साथ में बने रहने के लिए, फॉर फर्दर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मित्रास क्लासेज अ ग्रेट बेस्ट स्टूडेंट। थैंक यू।